आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अध्यात्म तंत्र मंत्र विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर चीज संभव है। देखिए, इंसानी बुद्धि और तार्किक बुद्धि सिर्फ उतना ही समझ पाता है जितना वह देखता है, अनुभव करता है, लेकिन जो तंत्र है, जो शिवत्व है, जो अनंत है, वह अनंत बोलने से ये समझ लीजिए असीमित है। वहाँ सब चीज संभव है। आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, रातों रात गरीब भी हो सकते हैं, आप जीवन जी सकते हैं, हो सकता है एक ही रात में व्यक्ति का प्राण पखेरु भी उड़ जाए। यहाँ जो हंसते खेलते आदमी दिख रहे हैं, अगले पल वो कब क्या हो जाए। अर्थात कहने का, यह जो अनंत की जो ऊर्जा है, उसके पास हर चीज संभव है। हर चीज आप जो सोच भी नहीं सकते, वह भी व्यक्ति कितना ही कठोर क्यों ना हो, वह आपसे प्यार भी कर सकता है। व्यक्ति कितना ही प्यार करता हो, वह आपसे दूर भी हो सकता है। तो सबसे अहम चीज जो तंत्र में यह होता है कि आप उसे अपने लिए प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यूं समझिए, जो अनंत की शक्ति है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो तंत्र में सिद्धियां हैं, उसके सामने आप हमेशा नतमस्तक रहिए और ये मान के चलिए यहाँ चमत्कार संभव है, कुछ भी हो सकता है। और यह प्रमाणित है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वह पूर्ण रूप से प्रमाणित, कुछ भी हो सकता है। अगले पल प्रेमी प्रेमिका शादी भी कर सकते हैं, अगले ही पल तलाक भी हो सकता है, भाव बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या करें कि जिससे व्यक्ति के मन विचार भाव आपके लिए हो, उसके धड़कन आपके लिए धड़के, उसके सांसों में आप समा जाए, वह भी बिना उसके पास जाए, उससे मिले, उसे कुछ कहे। हाँ, बशर्ते यह है कि उसे एकाध बार आप देखे रहेंगे, उससे आप मिले रहेंगे, कम से कम पहले कभी बात किए हों या फिर देखे भी हों तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो मानसिक शक्ति है, उसमें आप आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है, जो तंत्र क्रिया की ऊर्जा है, वह उसके दिलो दिमाग में वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी को सेंड करता है। आप कुछ नहीं करते, आप तो सिर्फ उसे क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद जो एनर्जी है उसके माइंड में जाता है, वो एनर्जी ही आपके लिए काम करता है। जैसे उसके मन में आपकी खुशबू पैदा हो गई, आपके लिए जो पावर है, जो आपने किया है, आपकी जो बातें हैं या फिर आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, वह उसके दिलो दिमाग में मानसिक तरंगों में उड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसका दिल, उसके मन उसके काबू में नहीं रहेगा। वैसे इंसान के जो मन है उसके काबू में रहता ही नहीं है, और आ जाता है उस शक्ति के अधीन में, ऊर्जा के अधीन में, जो धड़काता है आपके लिए, जो साधक के लिए कार्य करता है। साधक अर्थात जो साधना कर रहा है, सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है। सिद्धि अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिद्धि होती है। तो सिद्धि का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, साधक हमेशा यह साधना तभी करे जब सच्चा प्यार हो, शादी हो या फिर तलाक होने वाला हो, छूटने वाला हो, क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि देने का मकसद सिर्फ घर परिवार को बचाना है, आपके शादीशुदा जिंदगी को बचाना है, आपके प्यार को बचाना है, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना है। अर्थात आपके पास चाकू तो है, लेकिन उससे आप सेप ना काट के अपना हाथ काट लेंगे तो गलती आपकी होगी। तो अपने विवेक से काम लीजिएगा, आप करना क्या है। होली का अभी समय है, आपको लेना है एक कोरा कागज, उसमें सिंदूर से अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखना है, और सिर से ऊपर अर्थात सिर से लेकर पैर तक 21 बार उसे उतारना है, और उसी कागज को रख के आप उसको ध्यान करें, ध्यान कम से कम 10 मिनट करें, और उसके बाद इसे, बस छोटा सा क्रिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसका वाइब्रेशन बहुत हाई है, इस कागज को ले जा करके होली की अग्नि में डाल दें या फिर होली में जला दें, और उसके बाद यह आज कल में संभव है, उसके बाद चमत्कार दिखे।